today's topic is singular and plural noun. About noun, I already made you understand in previous video. So let's see singular noun. Singular means one. Singular means one. So singular nouns represent only one person, animal, place or thing. जहाँ पर एक person, किसी भी एक person की बात हो, एक animal, एक place और एक thing की, ये सभी noun हैं आपको पहले से पता है। तो जब भी किसी एक person, एक animal या एक place और एक thing की बात होती है, वहाँ पे singular noun होता है। ठीक है? For example, जैसे box, यहाँ पे box एक ही है, box, तो यहाँ पे बॉक्स जो है सिंगुलर नाउन है। मैन, एक मैन की बात हो रही है तो ये सिंगुलर नाउन है। पोटैटो, एक पोटैटो की बात हो रही है तो ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है? और भी होते हैं। नाउ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन मोर देन वन। जब मोर देन वन की बात होती है, प्लूरल नाउन रिप्रेजेंट मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन एनिमल, प्लेस और थिंग की जब बात होती है तो वहां पे प्लूरल नाउन होता है। ठीक है? एग्जाम्पल बॉक्सेस, यहाँ पे हमने देखा कि सिंगुलर नाउन में ओनली वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग की बात हुई, तो बॉक्स हुआ, यहाँ पे एक ही बॉक्स की बात हुई। यहाँ पे प्लूरल नाउन मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, तो यहाँ पे बॉक्सेस है, यहाँ पे मोर देन वन बॉक्सेस की बात हुई है, तो यहाँ पे भी बॉक्सेस जो प्लूरल नाउन है, ऐसे ही मैन यहाँ पे सिंगुलर है, मैन यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया। पोटैटो, एक पोटैटो की बात हुई है तो सिंगुलर नाउन हो गया, और पोटैटोस क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। ओके? रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कैसे चेंज करते हैं, उनके रूल्स देखेंगे। फर्स्ट रूल इज टू फॉर्म प्लूरल नाउन एट द एंड इज सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के एंड में हम लोग क्या लगाएंगे, एस लगा के प्लूरल नाउन फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये सिंगुलर नाउन है डॉग। ठीक है? एक डॉग की बात हुई, यहाँ पे लास्ट में हमने एस लगा दिया तो ये क्या बन गया, डॉग्स, प्लूरल फॉर्म में। हाउस का, हाउसेस, यहाँ पे हमने एस लगा दिया, हाउसेस बन गया। टेबल में भी एस लगा के टेबल्स, प्लूरल फॉर्म बनाया। यहाँ पे गर्ल सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे एस लगा के प्लूरल फॉर्म में चेंज किया। सेकंड, नाउ रूल नंबर टू, सब सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन अ वोवेल एंड वाई एड एस टू फॉर्म प्लूरल नाउन। ये रूल क्या बोलता है कि अगर किसी सिंगुलर नाउन में अगर लास्ट में वाई है या फिर कोई वोवेल है तो क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में, सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस लगा के प्लूरल फॉर्म कर देंगे। लाइक बॉय, बॉय के लास्ट में वाई है तो एस लगा के बॉयज प्लूरल फॉर्म बन गया, सिंगुलर टू प्लूरल। टॉय, लास्ट में वाई है, एस लगा के हमने प्लूरल बनाया है। ठीक है? यहाँ पे सेम वाई है, एस लगा के प्लूरल फॉर्म कर दिया। यहाँ पे ई है, वोवेल में लिखा है, वोवेल हो या फिर वाई हो, तो यहाँ पे वोवेल ई है, यहाँ पे भी एस लगा के प्लूरल फॉर्म कर दिया, बी का बीज हो गया प्लूरल फॉर्म। ओके? द थर्ड वन इज सम सिंगुलर नाउन दैट एंड इन। देखेंगे कि कौन कौन से सिंगुलर नाउन में लास्ट में सी एच है या फिर एस एच है या एस है या डबल एस है या एक्स है। अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में ये होगा तो उसके लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस एड कर देंगे। ठीक है? और प्लूरल फॉर्म कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंगुलर नाउन बंच, यहाँ पे सी एच आपको नजर आ रहा है, इसके लास्ट में बंच सी एच है, तो यहाँ पे लास्ट में ई एस लगा के बंचेस प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे डी एस, डी आई एस एच, यहाँ पे एस एच है, ठीक है, एस एच है, तो यहाँ पे ई एस लगा के इसको प्लूरल फॉर्म बना दिया। यहाँ पे बस में लास्ट में एस है तो यहाँ पे ई एस एड करके बसेस बना दिया प्लूरल फॉर्म। ठीक है? क्लास का क्या हो जाएगा, क्लास के लास्ट में क्लासेस हो जाएगा। ओके? ई एस लगा के। ओके? नाउ फॉक्स में भी ऐसे होगा, जैसे कि एफ ओ एक्स है, यहाँ पे लास्ट में एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ओ एक्स ई एस, फॉक्सेस। ठीक है? कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि ऑक्स, आपको दिख रहा है इसके लास्ट में एक्स है, बट ये रूल फॉलो नहीं करता है, ये क्या बन जाता है प्लूरल फॉर्म में, ओ एक्स ई एन, ऑक्सन हो जाता है। ठीक है? एक्सिस का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आई एस है, तो यहाँ पे एक्सिस का क्या बन जाएगा, एक्सिस। हम लोग थर्ड रूल देखें कि कुछ नाउन जो सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके
सी एच एस एच डबल एस एक्स होते हैं, तो उसके उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लास्ट वर्ड में ईएस लगाते हैं। सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म करने के लिए ईएस लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि सम सिंगुलर नाउन दैट एंड इन ओ, सिंगुलर नाउन जो कि ओ में एंड होते हैं उसके उसको प्लूरल फॉर्म उसका फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, उसके लास्ट वर्ड में ईएस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे पोटैटो दिया है, पोटैटो में क्या लिखा है, तो ईएस लगा के पोटैटोस बना है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म। हीरो में ओ है लास्ट, यहाँ पे भी ईएस करके प्लूरल फॉर्म किए हीरोज। बफेलो में भी ओ लास्ट है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ईएस लगा के प्लूरल फॉर्म किया बफेलोज। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे पियानो, आप देख रहे हैं कि इसमें लास्ट ओ है, लास्ट लेटर क्या है, ओ है, बट यहाँ पे ये एक्सेप्शंस है, तो इसमें हम लोग ईएस नहीं लगा के एस लगा है, तो ये पियानोस करके प्लूरल फॉर्म बना है। स्टूडियो, एक स्टूडियो की बात हुई है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे भी देख रहे हो ओ ईएस नहीं लगाया, यहाँ पे एस लगा के प्लूरल फॉर्म बना है स्टूडियोज। जैसे जू, इसमें भी जू एस लगा के, फोटो में भी एस लगा के हम लोग प्लूरल फॉर्म बना है। नाउ द रूल फिफ्थ इज नाउन दैट एंड इन जेड, एड जेड ई एस फॉर प्लूरल। सिंगुलर नाउन में स्पीच दिया है, इसके लास्ट में जेड है, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए जेड ई एस लगा देंगे, ठीक है। सिक्स्थ रूल है नाउन दैट एंड इन एफ एंड एफ ई, जिस भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में एफ या फिर एफ ई होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, एफ या एफ ई को रिमूव करके वी लगा देंगे, ठीक है, वो वी। देखो नाउन दैट एंड इन एफ एंड एफ ई, चेंज द एफ और एफ ई इनटू वी एंड ऐड ई एस। जिस भी सिंगुलर नाउन के लास्ट में एफ या फिर एफ ई होगा वो एफ या एफ ई वी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद ई एस लगा के प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंगुलर नाउन एल ई एफ लीफ, यहाँ पे एफ है, तो एफ को क्या करेंगे हम वी में कन्वर्ट कर दिए और लास्ट में ई एस लगा दिए, टोटल बोल गया लीव्स। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म सिंगुलर है लीव, प्लूरल फॉर्म क्या बना लीव्स। यहाँ पे देखिए नाइफ, यहाँ पे एफ ई को हमने वी बना दिया और लास्ट में लगा दिया ई एस, तो नाइफ का क्या हो गया नाइफ। वाइफ है, वाइफ का क्या हो गया एफ ई जो है इसमें कन्वर्ट हो गया, वी में कन्वर्ट हो गया और लास्ट में हम लोगों ने क्या लगा दिया ई एस, ठीक है, वाइफ बन गया प्लूरल। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि बिलीव, Here last word is F, but it is not following this rule, so at last we will put S for plural. Here again roof, here also for last letter is F, but we are putting S to form plural. In chief also F, roof also last letter is F, so it is not following this rule, at last we are putting S to form plural. Okay students. Now the end in a in a consonant and y, change the y into I and add es to form plural noun. Don't get confused students, actually in rule number 2 we have seen ki kuch words aise hote hain jo ki like boy, to hum iske last mein es laga ke s laga ke iska plural banaye the boys, बट वहां पे रूल ये बोल रहा था कि नाउन दैट एंड इन अ वॉवेल, वॉवेल के साथ अगर वाई हो तो यहाँ पे हम लोग एस पुट करके प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा रूल, कॉन्सोनेंट एंड वाई, कॉन्सोनेंट के साथ वाई होता है तो क्या करते हैं इसको हम लोग वाई को जो है आई में चेंज कर देते हैं एंड देन ई एस, तो वहां पे फिर प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रॉफी में वाई लास्ट में and before y it is a consonant, so y will be replaced in I and then we will put es, so yahan pe kya ban gaya singular noun trophy ka kya ban gaya trophies plural form, theek hai। In family also y is here at last, but before y there is a consonant, so y will be replaced in I and then we will put es, total is ies, that means families is plural form of family। Here again lady, why is the last letter vowel, but before y there is a consonant, okay, so we put we replace y in I and then i e s then e s
कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मैन था यहाँ पे, ए को ई में कन्वर्ट करके मैन बन गया, मतलब यहाँ पे सिंगुलर मैन, सिंगल मैन की बात हुई, यहाँ पे प्लूरल मोर देन वन। यहाँ पे टूथ का टीथ हो गया डबल ओ डबल ई में कन्वर्ट हो गया, माउस का माइस हो गया एंड फुट का फीट हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सिंगुलर नाउन क्या है प्लूरल नाउन में चेंज हो गया। स्टूडेंट्स नाउ नंबर 9 रूल देखते हैं, सम सिंगुलर नाउन डू नॉट चेंज व्हेन दे बिकम प्लूरल। सिंगुलर नाउन जो होते हैं वो चेंज नहीं होते जब वो प्लूरल फॉर्म में बनते हैं। तो जैसे यहाँ पे डियर, अगर मैं डियर की बात करूं तो यहाँ पे डियर्स या डियरीज ऐसा नहीं हो जाता, हम उसको इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, वन डियर टू डियर थ्री डियर नंबर फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है वन डियर है तो यहाँ पे काउंट करके उसको बता सकते हैं थ्री डियर फोर डियर नंबर फॉर्म में। ये नहीं बोलेंगे कि डियर का डियरीज डियर्स ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिश का भी वही है, जैसे फिश है तो फिशेस नहीं बोलेंगे, काउंट करके बता सकते हैं वन फिश सेवन फिश थ्री फिश नंबर फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। फ्रूट है तो फ्रूट में भी हम नहीं बोलेंगे फ्रूट्स फ्रूटेस ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स बोल सकते हैं, फिश में भी वेरियस फिशेस बोल सकते हैं, या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स और फिशेस बोल सकते हैं, ओके ओके। नाउ 10th वन इज, 10th रूल इज दिस नाउन्स डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। ये जो नाउन दिए हुए हैं ये इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है, इनको दोनों में ही यूज कर लेते हैं। सीनरी, ये सिंगुलर भी काम करेगा प्लूरल भी काम करेगा, इसके कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होते। इंसाइक्लोपीडिया, फर्नीचर, एपरेटस, लगेज और न्यूज, ये सभी क्या होते हैं ऑलरेडी, इनके क्या होते हैं डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, ओके। 11th नंबर, व्हेन अ नाउन इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ब्स इट फॉर्म्स द प्लूरल बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड। अगर कोई नाउन मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर फॉर्म हुआ है तो उसमें क्या करेंगे मेन वर्ड में हम क्या लगा देंगे एस लगा के प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। लाइक सिंगुलर नाउन में जैसे मदर इन लॉ है, एक की बात हो रही है तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है मदर, तो यहाँ पे हम लोग मदर में एस लगा दिए तो मदर्स इन लॉ जो है प्लूरल फॉर्म हो गया। स्टेप सन, यहाँ पे सन जो है मेन वर्ड है तो सन में हम क्या लगा दिए एस लगा दिए तो ये क्या बन गया स्टेप सन्स। यहाँ पे मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट सिंगल की बात हो रही है, यहाँ पे सर्वेंट जो है मेन वर्ड है तो यहाँ पे एस लगा के इसका प्लूरल फॉर्म बना दिए मेड सर्वेंट्स, ओके। सो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एंड हाउ टू फॉर्म द सिंगुलर टू प्लूरल। नाउ हियर इज योर होमवर्क, राइट द प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स दिस नाउन्स इन योर नोटबुक। ये आपको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, सिंगुलर आई हैव गिवन हियर सिंगुलर नाउन्स फॉक्स सिटी जॉय कॉफ 10 ईयर ओल्ड। यू हैव टू सी द वीडियो प्रॉपरली एंड रूल्स ऑल्सो एंड देन यू हैव टू चेंज द सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म। थैंक यू।